हे टीनेजर्स, आज का मेकअप लुक सिर्फ आप लोगों के लिए है। क्या है ना, हम लोग सोचते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट के बिना अच्छा मेकअप हो ही नहीं पाता, तो इसलिए मैं आज सारा लोकल प्रोडक्ट ले आई हूँ जिसे हम लोग मेकअप करेंगे। सबसे पहले मैंने ब्लू हेवन का जो प्राइमर है, मैट प्राइमर, मैंने पहले अप्लाई कर लिया है। ये जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये आप लोग अपने लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो। अभी मैं अप्लाई करी हूँ फिट मी फाउंडेशन का 230 जो नंबर का जो फाउंडेशन है वो। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आप लोग इसको ख़रीद सकते हो। स्पेशली जो टीनेजर्स गर्ल है, बिगिनर, वो आप लोग ख़रीद सकते हो। तो इससे भी बहुत अच्छा बेस रेडी हो जाता है हमारा फाउंडेशन का। एंड इसको अच्छे से हम लोग डैब ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करेंगे एंड डैब डैब करके हमें इसको ब्लेंड करना है। गले पे और कान पे फाउंडेशन अप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि अगर फेस सफ़ेद हो गया और गला काला रह गया तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो मेरी बहन के पास कोई टीएल पाउडर नहीं था, तो नॉर्मल जो पाउडर होता है वो मैंने इसके आँखों के नीचे और जो हाईलाइट पॉइंट है वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। आप लोग जॉनसन्स बेबी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरे कम दाम में जो टीएल पाउडर आता है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, मगर ब्यूटी ब्लेंडर से ही यूज़ करना है, प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। इस तरह से आपको बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप मिल जाएगा। ये है हमारा आज का मेकअप ब्रश का किट जो आप लोग लोकल स्टोर से खरीद सकते हो। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ एक नॉर्मल आईब्रो पेंसिल, ये ब्लैक कलर का है। अगर आप लोग ब्राउन कलर का पेंसिल खरीदोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ब्लैक उतना नेचुरल नहीं लगता, ब्राउन बहुत नेचुरल लगता है। तो मैं अभी आईब्रो पेंसिल से इसका आईब्रो बना रही हूँ एंड जो आईब्रो का कोम करने का जो ब्रश होता है उससे मैंने कोम कर लिया है। आईब्रो को बहुत अच्छा एक शेप दे दिया है, आप लोग देख सकते हो। हम में से बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि ये वाला ब्रश का काम क्या है, तो वो आईब्रो ठीक करने के लिए होता है। एंड अभी मैं जितना भी पाउडर है फेस पे वो सब क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा बेस मेकअप है वो सेट हो चुका है अब तक, तो आप लोग भी क्लीन कर लेना। एंड क्लीन करने के बाद आप लोग देख सकते हो फाउंडेशन कितना बढ़िया तरीके से सेट हो गया है। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एक आई शेडो पैलेट, इसका नाम आप लोग देख लीजिए, ये भी लोकल प्रोडक्ट है। एंड मेकअप ब्रश के किट से मैं एक फ्लड ब्रश लेके आईलिड पर एक न्यूट कलर अप्लाई कर रही हूँ, स्किन कलर और येलो कलर। आईलिड पे ये दो कलर एज ए बेस कलर अप्लाई होता है, तो इन दोनों कलर को अप्लाई करने के बाद मैं एक रेड कलर ले रही हूँ। हालांकि ये एक लोकल आई शेडो पैलेट है तो इसका कलर उतना गहरा नहीं आएगा, आप लोगों को 3-4 बार करके अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही बहुत एक अच्छा कलर आएगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करना तो आप लोगों का आई मेकअप भी बहुत अच्छा होगा। सिर्फ अच्छा मेकअप प्रोडक्ट काफ़ी नहीं होता, अच्छा मेकअप करने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस भी चाहिए होता है। फिर मैंने एक जो स्पंज तरह के ब्रश होते हैं वहाँ पर एक ग्लिटर कलर लिया है, ये वायलेट कलर है, वायलेट नहीं, ये ब्लू था, मगर उतने अच्छे से ब्लू कलर आया नहीं, तो मैंने फिर से 2-3 बार ब्लू अप्लाई किया और उसके बाद आ गया था। और आई के आउटर कॉर्नर पे मैं ब्लैक अप्लाई कर रही हूँ एक बहुत अच्छा सा डेप्थ देने के लिए आँखों पर। ये बहुत अच्छा लगता है कोई भी आई मेकअप पे, आउट पे अगर आप लोग ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का आई शेडो अप्लाई करते हो तो आईज बहुत ही बड़ा बड़ा लगता है एंड बहुत ही सुंदर लगता है, तो प्लीज़ ट्राई करना। हमने आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है, मैंने आँखों के नीचे ब्राउन कलर अप्लाई कर लिया है एंड एक नॉर्मल काजल से मैं काजल लगा रही हूँ इनके आँखों पर। आप लोग लोअर लैश लाइन पर भी देना काजल। एंड अभी मैं एक नॉर्मल छोटा सा ब्रश की मदद से जो काजल मैंने अप्लाई किया था उसको मैंने थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ। एंड अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ एक आईलाइनर, ये लैक्मे का आईलाइनर है जो 100 रुपीज़ के अंदर आ जाता है, तो ये आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा लाइक बेसिक आईलाइनर है, बहुत अच्छा, वाटरप्रूफ शायद नहीं है, मगर जो नए नए मेकअप सीख रहे या फिर नए नए खुद घर पे मेकअप कर रहे हैं उन लोगों के लिए आईलाइनर बहुत अच्छा है। तो इनको मैं एक थोड़ा सा विंक आईलाइनर अप्लाई करने वाली हूँ।
बहन की आज एक डांस का प्रोग्राम है, तो इसीलिए मैं उनको सजा रही हूँ। आप लोग अगर शादी में जा रहे हो, कोई भी पार्टी में जा रहे हो, या फिर आप लोगों का भी डांस प्रोग्राम है, तो आप ये मेकअप फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ स्वीस ब्यूटी का एक ब्लश, ये भी बहुत अच्छा ब्लश है, ये भी आप लोग लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हो। एंड मैं अप्लाई कर रही हूँ एक पाउडर ब्रश की मदद से, जो ब्रश सेट मैंने दिखाए थे उसका ही एक ब्रश की मदद से मैं ये ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। मेक श्योर ब्लश अप्लाई करते वक्त आप बहुत सारा स्माइल के साथ ब्लश अप्लाई करना। आज हम लोग कोई कॉन्टोर या फिर ब्रॉन्जर अप्लाई नहीं करेंगे इस मेकअप में, तो अच्छे से देखना। उनका लिप लाइन करने वाली हूँ, तो आप लोग देख सकते हो लिप लाइनर कितना अच्छा काम कर रहा है। हाँ, एक की जगह दो तीन स्ट्रोक देने पड़ रहे हैं, मगर इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है। 10-15 रुपए में लोकल मार्केट पे आप लोगों को इस तरह का बहुत सारा कलर का जो लिप लाइनर है मिल जाएगा। अभी हम लोग लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, एलिटीन का जो डार्क पिंक कलर है वो वाला लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। ये बहुत अच्छा है, 100 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को लिपस्टिक भी मिल जा रहा है। एंड लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेकअप बहुत ही उभर के आया है। हम बंगालियों में बिंदी के बिना कुछ ख़त्म नहीं होता, तो मैंने एक रेड कलर का बिंदी भी अप्लाई कर लिया है। एंड जो आई शेडो पैलेट था वहाँ से मैंने एक हाइलाइटर नोज़ पे एंड आईज़ के ऊपर, मतलब जो ब्राउ बोन है वहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है मेकअप। अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक आईलैश फॉल्स लैश, जो नॉट सारा का है, 5D वाला। एंड इसमें हम लोग ग्लू अप्लाई किए हैं हुडा ब्यूटी का। एंड ये है हमारा फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हो बहुत औसम लग रहा है। हम लोग इस मेकअप पे कोई भी फिक्सर अप्लाई नहीं किया है, उसके बावजूद कितना अच्छा हुआ है मेकअप। प्लीज़ कमेंट पे बताना आप लोगों को मेकअप कैसा लगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।